Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका ऑनलाइन क्लास के बाद ऑफलाइन क्लास में आपको सिंपल सेंटेंस स्टडी कराया गया था लगातार, जो कि आपको रिवीजन के तौर पर स्टडी कराया गया था बच्चों। तो आज टॉपिक जहां तक आपने ऑफलाइन के माध्यम से स्टडी किया है, उसी के आगे का कोर्स जो है आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका सिंपल सेंटेंस इस समय स्टडी कराया जा रहा है, इसके माध्यम से आप लोग विभिन्न प्रकार के चीज़ों को यहां पर सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत सीख रहे हैं। जो सीख रहे हैं उसी के आगे आज हम बात करेंगे। टॉपिक है आपका सिंपल सेंटेंस, तो नया टॉपिक जोड़ा गया इसके अंतर्गत यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव वर्ब का यहाँ पर आपको प्रयोग के माध्यम से आपका सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। तो अगर हम भाई बात करें कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो बात करेंगे इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है बच्चों कि यदि किसी वर्ब के यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले तू का प्रयोग कर दिया जाए, तो यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले तू का प्रयोग कर दिया जाए तो वह वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब हो जाती है। तो वह वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब हो जाती है जिसका हिंदी में अर्थ ना, नी, ने होता है। तो यहां पे हमने सबसे पहले बात किया कि इन्फिनिटिव वर्ब है क्या बच्चों। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज इन्फिनिटिव वर्ब, तो आपका रिप्लाई ये होना चाहिए कि यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है, यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर दिया जाए तो वह वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देना, लेकिन जब टू का प्रयोग करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले तो उसका अर्थ बदल जाएगा, होगा क्या, हिंदी में अर्थ नानी ने होता है, यानी हिंदी में अर्थ क्या होना चाहिए, नानी ने। तो समझ जाना कि वह वर्ब हमारी इन्फिनेटिव वर्ब हो गई है। तो हिंदी में अर्थ क्या होगा, नानी ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करने से वह वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब हो जाती है जिसका हिंदी में अर्थ नानी ने होता है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। तो शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से, ये तो आइडेंटिफिकेशन रहा आपका, हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए इन्फिनिटिव वर्ब का हमने आपको लिखा दिया है कि जो ये पहचान है इसके माध्यम से हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब को जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे भाई रूल नंबर वन की। अब रूल नंबर वन, रूल नंबर वन ये है कि यदि दोनों वाक्यों में इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग हो तो यदि दोनों
वाक्यों में इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग हो तो पहला वाक्य लिखकर, तो पहला वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य में तू के पास से लिखते हैं। ध्यान दीजिए, रूल नंबर वन हमारा कह रहा है कि यदि दोनों वाक्यों में इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग हो, तो पहला वाक्य पूरा लिख दीजिए भाई, दूसरा वाक्य कहाँ से लिखेंगे? टू के पास से। चाहे बोलो भाई टू के पास से, या दूसरे रूप में कह लो कि इन्फिनिटिव वर्ब के पास से, बात तो एक ही होगी ना। तो क्या करेंगे, चाहे बोलो टू के पास से लिखते हैं या बोल दीजिए कि इन्फिनिटिव वर्ब के पास से लिखते हैं, तो बात वो आपका वही होगा। तो चले भाई पहला एग्जांपल आपके लिए, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वह दिल्ली गया, ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट, वह रेड फोर्ट देखना चाहता था। तो क्या भाई दोनों वाक्यों में टू है ना, इधर भी टू इधर भी टू, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहला वाक्य आप लोग पूरा लिख दीजिए, यानी होल वाक्य लिख दीजिए, संपूर्ण वाक्य लिख दें। तो क्या होगा भाई, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। अब हमने रूल क्या बताया, दूसरे वाक्य में कहां से लिखना है, टू के पास से, तो लिख दो भाई टू के पास से। तो क्या निकलेगा, टू सी द रेड फोर्ट। तो ही वेंट टू दिल्ली, टू सी द रेड फोर्ट, वह दिल्ली लाल किला देखने के लिए गया। तो ये एग्जांपल आपका समाप्त हुआ, रूल को पालन करें। अगला क्वेश्चन है भाई, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपनी आंटी यानी चाची के घर गया। उसके बाद एग्जांपल, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन, आई वांटेड टू सी माई एलिंग ALING एलिंग कजिन, मैं अपनी बीमार चचेरी बहन को देखना चाहता था। एलिंग का मतलब होता है बीमार, और कजिन मतलब चचेरा बहन भाई होता है। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं अपनी चाची के घर गया, मैं अपनी बीमार चचेरी बहन को देखना चाहता था। चचेरी बहन बोलो या ममेरी बहन, बात वही होगा, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन, इसके माध्यम से आते हैं कजिन का अर्थ में। तो ध्यान दे भाई क्या करेंगे, पहला वाक्य क्या करें भाई, पूरा लिखो, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपनी चाची के घर गया। दूसरा वाक्य भाई कहां से लिखेंगे, टू के पास से। तो क्या निकलेगा बच्चों, टू सी माई एलिंग कजिन। तो दोनों का अर्थ क्या निकला, मैं अपनी चाची के घर बीमार बहन को देखने के लिए गया। तो ये हो गया बच्चों आंसर, और ये टाइप आपका एक और एग्जांपल दे देते हैं।
इसी के माध्यम से, तो इसको भी देखते रहें, इरेज किया रहे, तो अब बात करें एक और एग्जांपल, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिम, ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिम, वह उन्हें शिक्षित करना चाहता था। उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा, वह उन्हें शिक्षित करना चाहता था। तो भाई लिख लो पहला वाक्य पूरा, तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। अगला वाक्य टू के पास है, टू एजुकेट हिम, उसे शिक्षित करने के लिए या उसे पढ़ाने के लिए। तो बच्चों ये टाइप यहीं पर समाप्त होता है, चलते हैं अगले रूल की ओर। तो ये टाइप को फॉलो करते रहें, आप बुक्स में इसके एक्सरसाइजेस हैं उसको भी हल करते रहें, और जो भी इसका प्रोग्रेस है पूरा उस पर आप लोग विशेष फोकस करें, इसके माध्यम से आपको सीखना है। तो शुरुआत करेंगे भाई अब अगले रूल की। अगला रूल है बच्चों हमारा कि यदि केवल दूसरे वाक्य में टू का प्रयोग हो तो, टू का प्रयोग हो तो पहला वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य में टू के पास से लिखते हैं। यदि केवल दूसरे वाक्य में टू का प्रयोग हो तो पहला वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य में टू के पास से लिखते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना, केवल दूसरे वाक्य में टू का प्रयोग होगा। टू बोलो भाई चाहे इंफिनिटिव वर्ब बोलो, दोनों का अर्थ क्या है बच्चों, सेम है। तो एग्जांपल नंबर वन भाई, एग्जांपल नंबर वन है ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू कट एन एप्पल, उसने एक चाकू लिया, वह एक सेब को काटना चाहता था। तो भाई क्या करेंगे, पहला वाक्य पूरा लिखें, लिखो क्या दिक्कत है। तो ही टुक ए नाइफ, ही टुक ए नाइफ टू कट द सॉरी टू कट एन एप्पल, उसने एक सेब को काटने के लिए चाकू लिया, ये आपका आंसर निकला। अगले एग्जांपल की बात करें, यहां पर देखिएगा ध्यान से, लिखा है आपका हरी रैन पास्ट, हरी रैन पास्ट, ही वांटेड टू विन द रेस, हरी तेज दौड़ा, वह दौड़ को जीतना चाहता था। आपका क्वेश्चन है हरी तेज दौड़ा, वह दौड़ को जीतना चाहता था। तो आंसर क्या होगा भाई, पहला वाक्य पूरा हरी रैन फास्ट टू विन द रेस, हरी दौड़ को जीतने के लिए तेज दौड़ा, तो ये आपका आंसर निकला।
एक और क्वेश्चन ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन है, हाँ, he had a large family, he had a large family, उसके पास एक लंबा परिवार है, he had to provide food, उसे अपने परिवार को भोजन देना पड़ता है, उपलब्ध कराना पड़ता है, तो पहला वाक्य भाई पूरा, तो he had a large family, अब क्या होगा दूसरे वाक्य में भाई, तू के पास है, तू प्रोवाइड फूड, तो ये एग्जांपल के साथ ही ये टॉपिक आपका 50% इंड होता है, क्योंकि चार टाइप है, चार टाइप में से दो टाइप आप पढ़ चुके हैं, दो टाइप आपको ऑफलाइन मोड में पढ़ाएंगे फेस टू फेस क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर सी यू लेटर, मीट यू नेक्स्ट डे।